बागेश्वर बालाजी सरकार की कृपा आप पर सदैव बनी रहे, इसी कामना के साथ आप देखिए बागेश्वर बालाजी सरकार के चरणों में समर्पित यह वीडियो। गुरुदेव कुछ ही क्षण बाद यहाँ पर आने वाले हैं। कुछ ही देर बाद पूज्य बागेश्वर धाम सरकार यहाँ पर आने वाले हैं, इसलिए चारों तरफ देखिए भक्तों की भीड़ आप देख पा रहे होंगे। चारों तरफ भक्त आ चुके हैं क्योंकि आज बालाजी का दिव्य दरबार है और दिव्य दरबार में शामिल होने के लिए सभी भक्त यहाँ पर पधार चुके हैं। यहाँ पर चारों तरफ भक्तों का जनसमूह देखकर काफ़ी हम आनंदित हो रहे हैं। सभी यहाँ पर अपनी अपनी अर्जी लेकर आए हैं, कोई दर्शन करने के लिए आया है, कोई यहाँ पर मात्र कथा सुनने के लिए आए हैं। तो यहाँ पर चारों तरफ आप यहाँ पर जो भक्तिमय माहौल है, यहाँ पर जो भक्तों की आस्था का जो कुंभ लगा हुआ है वह देखने लायक है। आप यहाँ पर आइए, यहाँ पर आप नहीं देख सकते, यहाँ पर नहीं आ सकते तो आप फ़ोन पर, मोबाइल पर, यूट्यूब पर भी आप देख सकते हैं। बहुत सारे माध्यम हैं इस मनोभाव को जानने के लिए। यहाँ पर पूज्य बागेश्वर सरकार और सन्यासी बाबा और बालाजी सरकार की कृपा बरस रही है और सभी इस बरसते हुए आनंद ले रहे हैं। आप भी हमारे साथ बागेश्वर बालाजी सरकार के चरणों में एक बार जयकार लगाएं। बोलिए बागेश्वर बालाजी सरकार की जय, सन्यासी बाबा की जय, गुरुदेव भगवान की जय, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। आप दिव्य दरबार पर सीधा प्रसाद क्लैरिटी खुशी तो होती है, आनंद के पीछे रहते वो है राम मैं आनंद के रहते हैं। तथा सुबह 10 बजे से होगी। देखिए यहाँ पहले डी और दूसरी डी दोनों पूर्ण रूप से भर चुके हैं और पीछे जहाँ तक आप देख पाओगे जनसंख्या चारों तरफ आपको जनसंख्या दिखेगी, भक्तों का जनसैलाब। अभी 9:40 हुए हैं, हम लोग यहाँ पर लगभग 8 बजे आ गए थे, तब भी यहाँ पर काफ़ी भीड़ हो गई थी। कुछ श्रद्धालु यहाँ पर 4-5 दिन से रुके हुए हैं। हमारे पास में ये जो दादी अम्मा है ये 5 दिन से है, दादी जी मंगलमय शुभकामनाएं। ये सब श्रद्धालु आप कहाँ से? आप सभी ने नौ दिन आप गुरु जी का आशीर्वाद आपके बना रहे। देखो सभी लोग लगातार 7 बजे लगातार हमें बहुत अच्छा सहयोग मिल रहा है, लेकिन पब्लिक थोड़ा सा कई बार अव्यवस्था कई लोग फैला रहे हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन का सहयोग करें, सभी की जिम्मेदारी है। सभी को काफी उत्साह है क्योंकि आज सभी बिल्कुल पास से गुरुदेव भगवान के दर्शन करेंगे। गुरु जी आत्मीयता के कैसा लग रहा है आपको? बहुत बढ़िया लग रहा है। जय श्री राम, जय श्री राम। अच्छे दर्शन हो गए दादी जी, बोल रहे हैं दर्शन हो जाते हैं यहाँ से। 5 दिन से दादी यहीं पर रुकी है। दादी बांदीपुर से दादी जी को सेम जहाँ हमारे भगवान व्यवस्था वहाँ से धाम से धाम को आई है। ये भी यहाँ जगह रहेंगी, बहन जी ने हमको जगह दिलवाई है। आपका कार्यक्रम है, हमारा कार्यक्रम है, पुलिस का लगातार सहयोग हमें मिल रहा है, उनको किसी भी प्रकार की शक्ति करने का मतलब न करें। यही से हमारे पास महेंद्र साहू जी, जय सियाराम लाइव में जुड़े
सभी वागिस्तान सरकार के भक्तों को जय श्री राम। इस कार्यक्रम स्थल पर जो भी पुलिस अधिकारी कर्मचारी लगे कृपया ध्यान दें, ये सबसे पहले गैंगवे को खाली कराएं। पूनम धर्मा जी, जय श्री राम, जय वागिस्तान सरकार। यजमान सेक्टर पर सिर्फ एक कार्ड में एक ही व्यक्ति आएगा, यदि उसमें दो फोटो लगे हैं तो दो व्यक्ति आएंगे, फोटो चेक करके ही भेजेंगे, अन्यथा उसको किसी भी सेक्टर में बैठाना सुनिश्चित करेंगे। जो भी गैंगवे में फोर्स लगा हुआ है इस पब्लिक को सेक्टर में बैठाइए सबसे पहले। दूसरा, यजमान सेक्टर में वही आएगा जिसके पास कार्ड है, एक कार्ड में एक ही व्यक्ति आएगा, यदि दो व्यक्ति आते हैं तो दो फोटो लगे होंगे उस पर कृपया करके चेक कर लें। इसके अलावा यजमान सेक्टर पे कोई भी नहीं आएगा, इसको सुनिश्चित करिए। ये गैंगवे में जो भी फोर्स खड़ा है सभी सेक्टर प्रभारी अपने अपने सेक्टर के सामने जो गैंगवे उसको खाली कराएंगे सबसे पहले। जो भी सुरक्षा व्यवस्था में लगे हुए अपने सारे अधिकारी कर्मचारी कृपया ध्यान दें। जय श्री राम दादाजी। कहाँ के हो दादाजी? मेरी आके हो? हाँ। यहाँ कब आ गए थे आप? हम तो आज तीन चार दिन हो गया। अच्छा, यहीं पर हो? हाँ, तो आठ बजे जा रहे थे। कहाँ रुकते हो? यहीं रुकते हैं। भोजन हो गया आपके? भोजन हो गया। यहाँ पर शाम को भोजन मिलता है? मिलता है, दस बजे तक मिलता है। हाँ, आप तो लेकिन अंतिम दिवस की कहा है। हाँ, तो यहाँ से चले जाओगे? आज चले जाएंगे, भंडारा करके जाना शाम को। भंडारा करके 1,00,000 मित्रों की भंडारे की व्यवस्था है यहाँ पर। जगदीश खत्री जी, जय श्री राम। ये तो यहाँ पे अपने स्थान करके चलिए, ये भीड़ खाली करिए यहाँ पर। ये बाजू में जो भी लोग खड़े हैं अपने स्थान ग्रहण करिए। बिना कार्ड के यदि सेक्टर में कोई बैठता उसको बाहर करिए आप लोग सबसे पहले। आप किसी भी मत सुनिए, यदि कार्ड है उसको बैठने दीजिए। आज बहुत ज़्यादा भीड़ है क्योंकि अंतिम दिवस की कथा, इसलिए आगे फर्स्ट डी में किसी को बैठने की अनुमति नहीं है, उसको रिजर्व रखा गया है ताकि कोई आतिथ्यगण, कोई संत महात्मा आते हैं तो उनको वहाँ पर बैठा सके। विश्वकांत आतरिक, जय श्री राम। यदि दो लोग आ रहे हैं तो दो फोटो लगे आपने चेक कर लीजिए। यूट्यूब पर जुड़े आप सभी हमारे भाई बहनों को बालाजी सरकार की चरणों प्रार्थना है, उनके चरणों में सभी की भक्ति अटल हो। जय श्री राम, जय बालाजी सरकार। ये गेट पे जो भी पुलिस अधिकारी इतने भीड़ लगा, पीछे जाइए, हर सेक्टर पे जाइए, उसको गैंगवे खाली कराइए। हर सेक्टर पे पहले गैंगवे खाली कराइए। जो भक्त कथा सुनने नहीं आ पाते हैं वो 10 बजे से पाकिस्तान सरकार के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर लाइव प्रारंभ होगी, वहां से जुड़कर आप सीधा प्रसारण देख सकते हैं। रणवीर भैया जय श्री राम, रुकमन दीदी जय श्री राम।
सभी पर बालाजी सरकार की कृपा बनी रहे। आप देखिए सुबह से कितनी भीड़ हो गई है। पुलिस प्रशासन और यहाँ के जिम्मेदार काफ़ी मेहनत कर रहे हैं यहाँ की व्यवस्था को सुचारू रूप से बनाने के लिए, क्योंकि आज कथा लास्ट कथा है, दूसरा आज नया साल है, सुबह से कथा है, इसलिए सब चाहते हैं गुरुदेव भगवान के दर्शन हो जाएं। हम लोग सुबह 8 बजे आ गए थे, इसलिए हम लोग को सबसे आगे आने का मौका मिल गया है। पीछे आप देख पाओगे बहुत ज़्यादा भीड़ है, हम आपको दिखाते हैं पीछे। सभी संत महात्माओं का हार्दिक अभिनंदन दबोगे विधायक अजय कुमार कृष्ण जी करते हैं उनके माध्यम से। लाइव में जुड़े सभी भक्तों को जय श्री राम। परी राजपूत जी जय श्री राम। UKTYC कैबिन जय श्री राम। उनमें जो भी सत्संग खड़े हुए हैं श्रद्धालु, उनसे निवेदन की बहुत करते हैं ताकि आपके साथियों का पीछे वालों को देख सके। आज काफी भीड़ है, इसलिए बहुत ज्यादा परेशानी आ रही है व्यवस्था बनाने में। अपने अपने मोबाइल चेक कर ले और सुबह घर में सभी से साधु खाना है जिनकी अर्जी लग चुकी है, लहसुन प्याज नहीं खाना। इतना लगा है निकाल अर्जी। हाँ बिल्कुल, आप यहाँ से लगा सकते हो। इतना लगा था निकाले आए लगाएंगे। हाँ बिल्कुल, और जो भी यहाँ पर दिव्य दरबार में आए थे तो गुरुदेव भगवान ने सामूहिक रूप से अर्जी लगाई थी। 2:30 बजे आ गए थे। अच्छा, आपने अर्जी लगाई है? नहीं नहीं लगाई आपने? नहीं कर सकते नहीं। हमारी माता जी हैं, 1 साल हो गए लहसुन प्याज नहीं खाते। उनकी कृपा हुई कि भगवान ने सुन लिया, हमको नौकरी लगी वर्ग 3 में सरकारी मास्टर बन गए। माता जी की, आप सभी को भी हम बता दें बागेश्वर बालाजी सरकार और माता रानी की कृपा से वर्ग 3 का रिजल्ट आ गया है 3 दिन पहले और हमको भी सरकारी नौकरी लग चुकी है। तो ये है बाकी से वहाँ भी आप रुक सकते हैं। वहाँ प्रतिदिन अन्नपूर्णा भंडारा प्रतिदिन चलता हुआ सुबह शाम आप जाओगे वहाँ पर, प्रतिदिन लाखों भक्तों का भंडारा वहाँ। पैसा लगा लगा जर्जा मिट्टी का दादी, आप श्रद्धा से उनको भजो, अर्जी लगाओ, आराम लगेगा। शनिवार दादी, जिनको जाने में समस्या है वो घर पर भी उनकी सेवा कर सकते हैं। नहीं पहुँच पाते हैं, लाल कपड़े नारियल बांध कर अपने भगवान जहाँ राज हैं वहाँ पर रख दीजिए और प्रतिदिन उनकी सेवा करिए, भजन करिए, तब भी लाभ मिलेगा। बिल्कुल, वहाँ तो जाना ही है। वहाँ जाओगे तो साक्षात आपको दर्शन भी होंगे वहाँ शंकर के, सन्यासी बाबा के, महादेव भगवान जी। यहाँ से यह बेटा ऐसे अकेले हम चले जाने, कोई दिक्कत तो नहीं आना। आप बस वगैरह से जाना, बस कोई हो साथ मिलने वाला ना, कोई नहीं साथ चले जाना।
आराम से ध्यान से जाना, जाओ तो बस वगैरह से पूछ पूछ कर जाना पड़ेगा सर। आप कहाँ के हो? जबेरा। आप दमो आना है, दमो से आपको बस मिलेगी छतरपुर के लिए, छतरपुर से ऑटो जाती है कड़ाई के लिए वहाँ से मिला थे बस सा। हाँ, यहाँ से डायरेक्ट बस जाती है तो बिल्कुल वहाँ पर ऑटो मिल जाते हैं। आप बोलोगे बागिस धाम जाना है ग्राम गढ़ाई के लिए तो वहाँ पर बहुत सारे ऑटो चलते हैं जो आपको वहाँ पहुँचा देंगे। जय शर्म भैया जी, हमारे पास एक माता जी हैं, बोल रहे हमारे परिवार में कोई नहीं है और हमको धाम जाना है तो मैंने उनको रास्ता बताया है। आप सभी से हमारा विनम्र अनुरोध है, जो आपके आसपास हैं बेसहारा हैं उनकी भी आप सहायता करें, क्योंकि मनुष्य में ही भगवान वास करते हैं, इंसान सेवा ही भगवान की सेवा है। श्री राम हम जाते हैं। लाइव में जुड़े सभी भक्तों को जय श्री राम। वागेश्वर बालाजी सरकार की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। लाइव में लगभग 767 लोग जुड़े हैं, आप सभी को हमारा प्रणाम स्वीकार हो।
पूज्य वागीश धाम सरकार मंच पर पधारने वाले हैं। देखिए पूज्य वागीश धाम सरकार मंच के करीब आ गए हैं। भक्तगण उनका स्वागत करने के लिए वहां पर पहुंच चुके हैं। पूज्य सरकार मंच की ओर बढ़ते हुए मंच पर आकर पूज्य सरकार हनुमान जी महाराज का पूजन करने के लिए यहाँ पर आ चुके हैं।